was a big flop. Oh my, अंडा तो एकदम परफेक्ट कुक होके आया है. Welcome back to my channel and I hope you are safe. तो आज की वीडियो में हम 5 मिनट क्राफ्ट के फूड हैक ट्राई करने वाले हैं जिसको कोई असल जिंदगी में ट्राई नहीं करता है. तो आज हम ट्राई करके देखेंगे कि वो होते हैं पास या तो होते हैं फेल. तो विदाउट एनी फर्दर डू चलो हो जाते हैं शुरू. और अगर आपको ऐसी वीडियो देखना पसंद है देन प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. तो चलते हैं अपना फर्स्ट फूड हैक ट्राई करते हैं सबसे पहले. तो गाइज हम अपना पहले फर्स्ट हैक देख लेते हैं. इजी पीजी हैक. तो हमें इसको बेसिकली चीज को कोट करना है चिप्स के पाउडर से और उसको फ्राई करना है. तो चलते हैं अपना हैक ट्राई करते हैं फर्स्ट हैक. तो गाइस हमें इस हैक में बेसिकली चिप्स लेने हैं और इनको खच खच करके छोटे 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 पीस करने हैं. अब चीज क्यूब को हमें इससे पूरे तरीके से कोट करना है. गाइज ये ऐसा कोट हुआ है. अब हम इसको फ्राई करके देखते हैं कि वर्क करता है हैक या नहीं. तो गाइज अब हम इसे फ्राई कर रहे हैं. सारी कोटिंग तो बाहर ही निकल गई इसकी. अब इसको बाहर निकाल लेते हैं. लिटरली क्या बना है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा. तो गाइज फर्स्ट हैक वॉज अ बिग फ्लॉप. जो चीज से कोटिंग थी वो पूरी की पूरी हट चुकी है जैसा मुझे एक्सपेक्टेड था. कोटिंग अलग, चीज अलग, दोनों चीजों की बर्बादी. भाई लेज मेरे बर्बाद हो गए. और ये रहे मेरी चीज फैल गई. यार अगर कोटिंग को ना अगर किसी चीज से चिपकाते जैसे मैदे की वाली स्लरी वाली कोटिंग करके फिर हम कोटिंग को चिपकाते तो मेरे ख्याल से तब बन जाता. बट ये तो एकदम एपिक फेल था. तो गाइस अब सेकंड फूड हैक देख लेते हैं. आपको फूड हैक यहाँ साइड पे दिख रहा होगा. बेसिकली बनाना को एग वॉश और ब्रेड क्रम्स में कोट करके फिर फ्राई करना है. तो देखते हैं कैसा टर्न आउट होता है. आई होप ये हैक वर्क करे. तो गाइस नेक्स्ट हैक के लिए चाहिए हमें बनाना. बनाना को कोट करना है हमें इस एग वॉश में. फिर हमें इसे कोट करना है आटे में. वापस से एग वॉश लगाना है इस पर. हाथ एकदम गंदे हो गए हैं. इसको किसका देख के खाने का मन कर रहा है. मेरा तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा है इसको देख के खाने का मन. लास्ट हमें इसे ब्रेड क्रम से कोट करना है. ये है केले का खुलेआम मर्डर. तो गाइज हमारा जो सेकंड हैक है बिल्कुल सेम टू सेम रेप्लिकेट हुआ है और दिखने में तो सही टर्न आउट हुआ है. बाहर से कोटिंग जो है वो क्रंची है और अंदर से थोड़ा पिलपिला सा है. तो टेस्ट करते हैं. अरे भाई कहाँ से खाऊं. बहुत अजीब सा टेस्ट कर रहा है. केले पे ना अंडे का रॉ टेस्ट आ रहा है और जब अंडे का रॉ टेस्ट आता है तो सारा मूड वहीं खराब हो जाता है. तो बिग नो, क्योंकि अंदर से जो बनाना है वो एकदम ही ऐसे देखो कैसा सा हो रहा है और बाहर की कोटिंग क्रंची है. बट आप मत ट्राई करना, बिल्कुल भी टेस्ट ही नहीं है ये. वैसे बन के सही आया उस हिसाब से हैक ठीक है बट टेस्ट में इट्स एन एपिक फेल. फेलियर ऑफ टू हैक्स. हम अब अपना थर्ड हैक ट्राई करने वाले हैं जो कि है ये स्किटल पॉपकॉर्न. आपको दिख रहा होगा.
तो भाई हैक तो कहता है कि हम जब पॉपकॉर्न बनाएंगे और साथ में स्किटर्स डालेंगे तो पॉपकॉर्न जो है वो कलरफुल हो जाएंगे। तो चलते हैं अब अपने आप खुद ट्राई करते हैं कि पॉपकॉर्न कैसे बनते हैं। लेट्स ट्राई आवर थर्ड हैक। ये रहे हमारे पॉपकॉर्न और ये रही हमारी स्किटर्स। तो फटाफट कलरफुल पॉपकॉर्न बनाते हैं, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड। आई होप वैसा ही टर्न आउट और ये हैक भी फेल ना हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा फेलियर हो गया सुबह से। अब हमारे पॉपकॉर्न फुटकने चालू हो गए हैं। तो भाई ये रहा हमारा स्किटल वाला हैक। अब आप ही बताओ कि क्या है, ये पास है या फेल है? मैं नहीं बताऊंगा भाई। एक भी पॉपकॉर्न हमारा कलरफुल नहीं हुआ। ये इत्तू सा, ये देखो, ये इत्तू सा थोड़ा सा ऑरेंज हुआ है, बाकी सारे पॉपकॉर्न हमारे काले हो गए हैं। तो ये इनके हैक्स पता है कैसे हैं? जैसे हम ऑनलाइन में हम चीज़ जो देखते हैं और जब वो ऑर्डर करके जैसे चीज़ आती है वो बिल्कुल भी हमारे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं होती कुछ चीज़ें, तो ये इनके हैक्स का हाल वही है लिटरली, कि क्या दिखाते हैं और क्या बनता है एंड में आके। मतलब बहुत सारे हैक्स में तो ये इंग्रेडिएंट्स ही मेंशन नहीं करते कि बंदा वैसे ही ट्राई ना कर पाए। तो एक बार टेस्ट भी करके देख लेते हैं। ये काला वाला टेस्ट करते हैं एकदम। कड़वा कर दिया स्किटल ने एकदम पॉपकॉर्न। है ना भैया, टेस्ट आ रहा है, सारे मिलके हमको पागल बना रहे। अगर आपको अपना पॉपकॉर्न खराब करना है ना, तब आप ये हैक ट्राई करना। बिल्कुल ही बकवास हैक है, एकदम एपिक फेल है ये वाला हैक। तो भाई दिखाया क्या था यार, इतने सुंदर पॉपकॉर्न और ये जले हुए बिल्कुल। अब ये मैं सोचना कि मुझे पॉपकॉर्न बनाने नहीं आते। पॉपकॉर्न एकदम सही तरीके से बनाए हैं, बट इनका हैक ही वेस्ट है। तो थर्ड हैक भी हमारा फेल रहा यार। अभी तक तीनों के तीनों हैक एकदम थर्ड क्लास। मुँह एकदम कड़वा हो गया सो खा गए। तो अब देखते हैं फोर्थ हैक। अब हम अपना फोर्थ हैक ट्राई करते हैं। तो करना, तो चलो अपना फोर्थ हैक देखते हैं कि फोर्थ हैक क्या है। हिम्मत नहीं हो रही वैसे मेरी और करने की। तो ये वाला तो इजी है गाइस। तो हमें लेस का पैकेट लेना है, उसको ओपन करके चीज वगैरह डाल के इसमें एग डाल के उसको आधा घंटे के लिए बॉईल करना है। वैसे तो ये है 5 मिनट क्राफ्ट, बट हमें इसको बनाने में आधा घंटा लगेगा। तो चलो ये भी बनाते हैं। जब तक फिर ये बनेगा तो हम अपना फिफ्थ हैक भी अपना स्टार्ट कर देंगे। गाइस तो हमारा जो फोर्थ हैक का सामान है वो मैंने बॉयल होने रख दिया है, तो उसे आधा घंटा लगेगा कम से कम। उतने में हम अपना फिफ्थ हैक देख लेते हैं। तो बेसिकली सिनेमन रोल बनाना है हमें इसे, और ये माइक्रोवेव रेसिपी है। माइक्रोवेव में बनाना है सिनेमन रोल वो। तो गाइज ये वाली रेसिपी तो काफ़ी सही लग रही है, तो लेट्स गो और ये वाला ट्राई करते हैं। फिर फोर्थ और फिफ्थ दोनों एक साथ टेस्ट करते हैं कि भाई सही भी है या नहीं। ये दोनों भी हमारा पोपट ना बना दे भाई, बाकी तीनों हैक्स तो फेल थे एपिक। तो अब फोर्थ और फिफ्थ से मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद है। तो चलते हैं फिफ्थ वाला प्रिपेयर करते हैं और फिर दोनों की टेस्टिंग साथ में करते हैं। तो गाइज हमारा फोर्थ हैक का ये बन चुका है, आधे घंटे से रखा हुआ था लिटरली। अब देख लेते हैं कि ये बना है कि नहीं। ओह माय गॉड भाई, पूरा अपने आप रैप हो गया जैसे हैक में दिखाया था, तो उस हिसाब से तो सही लग रहा है। आई होप टेस्ट में भी वर्थ इट हो।
तो गाइस देखो ये पूरी ऐसे पूरा बाइट साइज बना है और काफी अच्छा लग रहा है दिखने में। टेस्ट कर लेते हैं। भाई अंडा तो एकदम परफेक्ट कुक होके आया है और टेस्ट की बात कहूँ तो टेस्ट में ठीक ठाक है। वेजन उन्होंने उसमें बेकन वगैरह डाला था बट मैं वेजिटेरियन हूँ तो मैं वो नहीं डाल सकती थी। उस हिसाब से हैक के हिसाब से एकदम परफेक्ट हैक है। वैसे एग बनाने के लिए आधा घंटा देना इज़ नॉट वर्थ इट आई थिंक, तो उस हिसाब से मैं इस हैक को 50-50 नंबर देती हूँ। तो हमारा फिफ्थ वाला भी रेडी है। फिफ्थ में हमने देखा था सिनेमन रोल बनाया है हमने, तो उसको भी टेस्ट कर लेते हैं, देखते हैं कि कैसे टर्न आउट हुआ है। तो गाइस इसके लिए मैं सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हूँ सिनेमन रोल के लिए और दिखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है, तो टेस्ट कर लेते हैं एक बारी। बहुत ज़्यादा हार्ड हो गया ये, ऐसा लग रहा है ये, और काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो रहा है, पता नहीं मैं कैसे खाऊंगी इसको। उठा के खा के देखते हैं। ये तो बिल्कुल कुक नहीं हुआ है और इसको खाते हुए कैसे लग रहा था, मेरे दांत बाहर आ जाएंगे, जबड़ा बाहर निकल के आ जाएगा। क्या है ये, क्या बना है, मतलब क्या बवासीर बना दिया हो? तो एकदम फेल हैक है। 90 सेकंड में तो मैंने फिर भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा कुक करके देखा कि बाय चांस मेरा माइक्रोवेव कम वॉट का ना हो। भाई ये वाला तो बिल्कुल भी ट्राई मत करना, एकदम फेल हैक है। आपके दांत जरूर तोड़ सकता है, अगर आपको दांत तोड़वाने हैं उसके लिए आपके लिए हैक परफेक्ट है, वरना अदरवाइज आप ये वाला हैक मत ट्राई करना। तो मेरे को पांचों में से कोई भी हैक कुछ खास जमा नहीं है। ये 5 मिनट क्राफ्ट वाले सबको मिलकर पागल बना रहे हैं, भाई साहब क्या हैक देते हैं, हैक क्या ये हमारा काम और ज़्यादा बिगाड़ देंगे, इतने खतरनाक हैक हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी देन प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। और अगर आप इसका पार्ट टू देखना चाहते हो तो वीडियो पर धड़ाधड़ लाइक ठोक देना और वीडियो को शेयर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, स्टे फूडी एंड बाय।